मंगलवार की रात को नेशनल हाईवे 47 पर राजना जोड़ के पास सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसी के साथ चौपहिया वाहन फरार हो गया। घटना में युवक के रीढ़ और पांव की हड्डी टूट गई है। मिली जानकारी के अनुसार आजन गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम कर लौट रहा युवक बिछुआ के ग्राम थोटामाल निवासी रामकृष्ण बनवारी उम्र 40 वर्ष बस से उतरकर सौसर मार्ग पर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान पांडुरना की ओर से तेज रफ्तार के साथ आए चौपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। कैसे? अरे हम अपनी साइड से बहुत रेस में आए जी, ठोक के चला गया। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये जी। युवक को रीढ़ की हड्डी और दाहिने पांव की हड्डी टूट गई है। गंभीर हालत में उसे नागपुर रेफर किया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी धनोरा सेक्टर के पलासपानी में बिजली तार को नहीं जोड़े जाने को लेकर पैदा हुई सिंचाई की समस्या से अवगत कराने तहसील पहुंचे। किसानों ने नायब तहसीलदार से मिलकर टूटे हुए तारों को फौरन जोड़ने की मांग की। किसानों ने बताया कि तार बहुत पुराने हो चुके हैं, इसे बदला जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह किसान उच्च क्षमता वाली डीपी लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसे पूरा किया जाए। किसानों ने बताया कि धनोरा के करीब 10 किसानों ने नई डीपी लगाने के लिए सुपरवाइजर के पास 8,000 रुपये जमा किए हैं, लेकिन फिर भी डीपी नहीं लगाई जा सकी है। ऐसे संभव हो सकता है कि किसी को बिजली करंट ना लगे उसके संबंध में, और जल्द से जल्द तार जोड़ा जाए। और एक बिंदु यह है कि किसानों की जो फसल कपास का उचित दाम दिलाया जाए। किसानों ने बताया कि बिजली नहीं होने से सिंचाई की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण गेहूं, चना, सरसों, कपास की फसल सूख रही है। वहीं किसानों को कपास का उचित दाम नहीं मिलने से भी किसान परेशान है। ज्ञापन सौंपने वालों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील इरपाची, श्यामलाल धुर्वे, नंदकिशोर उइके, राजकुमार दसरू, रमेश और अन्य किसान पहुँचे थे।